आप सभी का दूरदर्शन की ओर से हम स्वागत करते हैं। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे, हमारा विषय है हज 2020 और हज यात्रा पर कोरोना संक्रमण का असर। इस सिलसिले में हमने बातचीत के लिए बुलाया है मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री दाऊद अहमद खान साहब को। हम आपका स्वागत करते हैं, आपका आदाब शुक्रिया भी अदा आदाब करते हैं कि आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। दाऊद साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि हज जो एक बहुत अहम इबादत है इस्लाम के मानने वालों की, उसका सिलसिला कैसे बनता है, कैसे शुरुआत होती है, कैसे लोग वहाँ पहुँचते हैं? देखिए, अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो सबसे पहले तो हिंदुस्तान के हज को मैनेज करने के लिए एक एक्ट बनाया गया और उसे कहते हैं हज 2002 एक्ट। और उस एक्ट में कई तरह के प्रोविजंस हैं और उसी प्रोविजंस के तहत एक प्रोविज़न है कि सारी स्टेट्स जो हैं हिंदुस्तान की, सभी स्टेट्स में एक स्टेट कमेटी होगी जी, और वो कमेटी उस राज्य की सरकार गठित करेगी। उसका सिलसिला एक्ट में बता दिया गया है। जी, ये दो अथॉरिटीज़ जो हैं ये हज के इंतज़ाम को करती हैं विद इन द कंट्री। पहले इसको जो मिनिस्ट्री लेवल पर हिंदुस्तान की सरकार में जो अकलियती मिनिस्ट्री है हमारी, वो इसके इसकी जो है आगे के काम जो है वो देखती है। अब ये हज कमेटी इंडिया जो कि मेन बॉडी है हज की, और हिंदुस्तान सरकार की तरफ से अकलियती मिनिस्ट्री, ये मिलकर फिर सऊदी अरब से एग्रीमेंट करते हैं। सऊदी अरब का जो सिलसिला है हज का, वो ये है कि वो पूरे हज में जितने लोगों को बुलाते हैं उन्हें वो सारे वर्ल्ड की कंट्रीज़ में सीटें बांट देते हैं। अच्छा, और सीटें बांटने का जो उनका फॉर्मूला है वो ये है कि हर एक मुल्क की टोटल मुस्लिम आबादी पर 1,000 पे एक सीट, अच्छा ये उसका सिलसिला होता है। जी, तो हिंदुस्तान की मुस्लिम आबादी जो है, अभी हज अपना सेंसस 2011 के हिसाब से देखें तो तकरीबन 17 करोड़ है। जी, तो उस हिसाब से 1,70,000 सीटें हमें हज के लिए सऊदी सरकार देती है। जी, अब ये सीटें देने के लिए वो हिंदुस्तान सरकार के मिनिस्टर को, हज कमेटी के सारी अथॉरिटीज़ को सऊदी अरब बुलाते हैं और वहाँ एक बायलेटरल एग्रीमेंट साइन होता है। उस बायलेटरल एग्रीमेंट में सारी कंडीशंस होती हैं कि आप किस तरह लोगों को भेजेंगे, किस कैटेगरी में भेजेंगे, कहाँ पर रखेंगे, क्या करना है आपको, कैसे आपको यहाँ इंतजाम करने, कैसे हिंदुस्तान से भेजना है, ये सारी जिम्मेदारियाँ एक एक करके उस एग्रीमेंट में होती हैं। वो बायलेटरल एग्रीमेंट होने के बाद फिर जो कोटा होता है उसमें लिख दिया जाता है उस एग्रीमेंट में। जी, फिर ये सरकार जो आती है, फिर ये सरकार हज कमेटी को देती है, हज कमेटी फिर स्टेट की कमेटीज़ को कोटा बांट देती है। अच्छा, और वो कोटा जब बढ़ता है तो फिर वो उस कंसर्निंग स्टेट में एप्लीकेशन के एतबार से फिर वो कोटा आगे बांटा जाता है। जी, अच्छा, तो अभी इस साल आपके पास कितनी दरख्वास्तें आई होंगी हज के लिए? देखिए, हज 2020 का सिलसिला शुरू हुआ था अक्टूबर 10, 2019 से, और ये हमने दरख्वास्तें बुलाई थी और 23 दिसंबर 2019 तक ये सिलसिला चला। जी, और हमारे पास 13,308 दरख्वास्त जो हैं वो लोगों की प्राप्त हुई और 8 उसमें बच्चे भी थे। जी, तो इस तरह से हमारे पास 13,308 एप्लीकेशंस आई। अब इसमें जो हमें कोटा मिला, जो सऊदी सरकार ने दिया हिंदुस्तान को, उससे हमारा जो हिस्सा मिला वो हमें 4,864 सीटें मिली हमें। अब ये 4,864 सीटों को हमें बांटना था 13,308 लोगों में, लेकिन इसमें एक कैटेगरी ऐसी भी है जो रिज़र्व कैटेगरी कहलाती है और वो है 70 साल वालों की। अच्छा, एक सहूलियत दी गई है जिसमें 70 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोग जो हैं वो अगर अप्लाई करते हैं हज के लिए तो उन्हें अपने साथ एक असिस्टेंट ले जाने की भी परमिशन होगी। अच्छा, और वो अपने खर्च पर जाकर अब हज कर सकते हैं वहाँ पर, और उनको जो सीट अलॉट होगी उसका कोई कोरा नहीं होगा, सबसे पहले वो सीट अलॉट होगी उन्हें, तो वो उसी कोटे में आएगी जो उसी कोटे में आएगी। तो अब सिलसिला ये है कि जैसे अपन मान लें कि 4,864 सीटें हमें मिली जी, और हमारे पास रिजर्व ए कैटेगरी 70 साल की 667 एप्लीकेशंस आई, तो ये हमने उसमें से घटा दी। अगर ये 667 ना होकर मान लीजिए 4,864 होती, हाँ, तो 4,864 ही सीटें उन्हें दे देते हैं। अच्छा, यही यही मतलब जो है सिलसिला है।
मतलब ये 70 साल से ऊपर के को जो पहला लोग फर्स्ट होते प्रायोरिटी हैं, आप ये मान के चलते हैं कि उनके साथ एक आदमी रहेगा ही रहेगा? रहेगा, और वो जाएंगे ही हज पे, उनको तो अच्छा, पहले ही भेजना है, तो वो आप वो अलग कर देते हैं? वो कैटेगरी बना दी गई है। जी तो जी उस सिलसिले से ये जो है 6,000 अपना 667 67 जो है वो घटाने के बाद, जी और इसमें एक और एक एक सिलसिला और पिछले साल से बना है, जी लेडीज़ जो हैं जो 45 या उससे ज़्यादा उम्र की लेडीज़ हैं। जी मैं आपको एक बात बता दूं कि सऊदी अरब में ये फैसिलिटी लेडीज़ विदाउट महरम वाली कई सालों से चल रही है, हमारे हिंदुस्तान में नहीं थी, जी पिछले साल से चालू हुई है। जी इसमें यह है कि 4 औरतें जो 45 साल या उससे ज़्यादा उम्र की हैं वो बिना महरम के हज पर जा सकती हैं ग्रुप बना के, अच्छा ये सिलसिला भी है। तो ऐसी 43 एप्लीकेशन हमें मिली हैं जी उसमें से। अब हमारे पास बची ये हटाने के बाद 4,154। अच्छा, ये 4,154 सीटें जो हैं ये हमको बांटना थी 12,598 एप्लीकेंट्स में। जी तो ये इसका कुरा जो है वो 18 जनवरी को ताजुल मसाजिद में किया गया, जी जहाँ ये कुरा में ये सीटें बांटी गईं। इस तरीके से ये काम जो है मुकम्मल हुआ सीटें बांटने का। अच्छा, जी, तो ये आप पूरे मध्य प्रदेश में बांटते हैं? ये पूरे मध्य प्रदेश की एप्लीकेशंस जो हैं जी वो कंबाइन करके उसके बाद हाँ, ये मध्य प्रदेश का फिगर है, अच्छा, और उसके बाद इसको हमने बांट दिया, पूरे मध्य प्रदेश में आप बांट दिया ये अपने जितनी भी ऑनलाइन, आप, सब ये सारा काम ऑनलाइन होता है, अच्छा, सब सिस्टम से होता है, कंप्यूटराइज होता है, जी, इसमें कुछ भी मैनुअल नहीं होता। हाँ, जी, अभी इस साल आपका क्या प्लान था हज के लिए, क्या देखिए तैयारियां थी? देखिए जो हसबे मामूल प्लान होता है हर साल एक जैसा ही प्लान होता है, नॉर्मली कोई खास बदलाव नहीं होते हैं। ये पूरा हो जाता है, पूरा होने के बाद 3 किस्तों में पैसे लिए जाते हैं हज के, जी आखिरी में एक एक किस्त आखिरी के लिए छोड़ दी जाती है जी और 2 किस्तें थोड़े थोड़े वक्त पैसे ले ली जाती हैं। जी तो इस बार जो है 2,01,000 रुपये तक टोटल मिला के 2,01,000 रुपये जो हैं वो हमने एप्लीकेंट से लिए हैं, जी जो कि 2 किस्तों में हमने लिए हैं उनसे। जी तो अभी तक उतने ही पैसे जमा हुए हैं, जी और बाकी जमा होने के लिए मना कर दिया गया था क्योंकि इसमें अभी बीच में कोरोना वाला सिलसिला हो गया। जी जी तो सऊदी सरकार ने एक हमको मैसेज भेजा कि आप हज 2020 को लेकर कोई सिलसिला मत बनाइए, सब रोक दीजिए, अभी कोई कमिटमेंट मत कीजिए, अच्छा, ऐसा उन्होंने हमको कह दिया। तो हम वहीं रुक गए, और अभी तक की पोजीशन वही है कि उनकी तरफ से अभी कोई मैसेज नहीं आया है। हाँ, क्योंकि अब आपने कोरोना का जिक्र छेड़ दिया है, तो जाहिर है कि जो कोरोना है वो इस वक्त सारी दुनिया में एक महामारी के रूप में सामने आया है, और इस कोरोना की वजह से दुनिया के सारे काम रुक गए हैं, लॉकडाउन हो गया है, सारे लोग अपने घरों में कैद हैं, मंदिर बंद हैं, मस्जिदें बंद हैं, सारी इबादतगाहों में बहुत रेस्ट्रिक्शंस हैं लोगों के जाने पर, और हज पर भी इसका कुछ असर हो रहा है क्या? देखिए बिलखसूस मैं बताऊं आपको कि हज का सिलसिला जो था उसके इंतजाम चल रहे थे, उनकी सारी चीज़ें धीरे धीरे चल रही थी। जी और इसमें एक और बात बताऊं मैं आपको कि जब हिंदुस्तान से हाजी वहां जाते हैं जी तो इन्हें तकरीबन 35 से 43 दिन तक ठहरना होता है वहां पर बिल्कुल हज के लिए, जी, जिसमें सबसे बड़ा वक्फा मक्का का होता है, अच्छा सबसे बड़े ज़्यादा दिन मक्का में ठहरते हैं वो, जी तकरीबन 31-32 दिन तक जी मक्का में रहते हैं, मक्का में रहते हैं। तो अब उनकी रिहाइश जो है वो रिहाइश का सिलसिला भी हज कमेटी इंडिया और जो हिंदुस्तान के सफ़ीर वहाँ हैं सऊदी अरब में सऊदी अरब, जद्दा में जो मुकीम है, जिनको कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, जी वो वहाँ और सारे स्टाफ मिलकर, और एक हज का ऑफिस भी वहाँ हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, हज मिशन कहते हैं उसको, तो हज मिशन का ऑफिस मिलकर वहाँ रिहाइश का इंतज़ाम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम करता है, क्योंकि आप ठहराएंगे फिर आप उन्हें जहाँ ठहराया है वहाँ से अब हरम भी लेके आना है, वहाँ से उन्हें मिना लेकर जाना है, ये सारे अराफात लेकर जाना है, वापस लेकर आना है, तो ये सारे इंतजाम जो होते हैं बहुत पहले से हो जाते हैं, इनके सिलसिले सब चल रहे थे। इस बीच में अगर आपको याद हो तो उम्रा पे पाबंदी लगा दी, जी, हाँ, रमज़ान में बहुत लोग जाया करते थे, उम्रे पे पाबंदी मुझे लगता है जनवरी में ही लग गई थी, जी जहाँ तक मुझे याद है जी जनवरी में पाबंदी लग गई थी, क्योंकि वर्ल्ड में ये रिपोर्टिंग शुरू हो गई थी कोरोना की, तो उन्होंने जनवरी में पाबंदी लगा दी थी, वो पाबंदी अभी तक आया थे, अभी भी चल रही है वो पाबंदी, मतलब उम्रे के लिए अभी नहीं बुला रहे हैं, हज के लिए तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जी अभी आपको अगर पता लगा हो तो सिर्फ उन्होंने लोकल लोगों के लिए मदीना में हरम शरीफ जो है वो खोला है, मस्जिद नबवी जो है उसे खोल दिया है, लेकिन वहाँ भी जो सिलसिले बने हैं वो बिल्कुल वो जो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते जी जी हुए जी सारे सिलसिले बनाए गए हैं। जी जी तो अभी विद इन द कंट्री तो वो लोग कर रहे हैं, अब आगे वो उनकी क्या पॉलिसी रहती है उसको देखना पड़ेगा अभी, अब क्योंकि वो वहाँ से जब तक कुछ नहीं उनकी आएगी बात जी तब तक हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें।
ये सबसे बड़ा मतलब जो है वो पॉइंट है, जी क्योंकि वो हमारे एक तरह से मेहमान मेज़बान हैं, मेज़बान जी तो हमको वो बुलाते हैं तो हम जाते हैं। तो उस सिलसिले से अभी जो सिलसिला है वो वहाँ थमा हुआ है जी और उसके आगे के सिलसिले अभी हमको मिल नहीं रहे। इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो आम लोगों में जो एक बातचीत है, कोई कह रहा है कि हज की यात्रा जो है वो कैंसिल हो गई है, कोई कह रहा है नहीं हुई है, होगा, तो ये जो एक कश्मकश बनी हुई है लोगों में, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, क्या? देखिए, कश्मकश तो होगी ही, जी क्योंकि हज एक ऐसा फरीज़ा है जो हर हर ईमान वाले के दिल में ये तमन्ना होती है कि बिल्कुल मरने के पहले वो दीदारे काबा कर ले, दीदारे हरम फ़र्ज़ कर है वो ले, तो इस्लाम और में वो है। करके अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला उनके सारे गुनाहों को माफ़ भी जी कर दें, जी जी वो एक दिल की सुकून भी होता है। तो एक तमन्ना दिल में ये रहती है कि मैंने देखा है कि मतलब किस तरह लोग जो हैं शिद्दत से इसकी कोशिश बिल्कुल में लगे बिल्कुल रहते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल सही बात है कि कश्मकश में लोग जरा जरा हैं, अच्छा क्योंकि अब इतने सालों में मतलब तकरीबन 200 साल की हिस्ट्री में हिंदुस्तान में, ये जी मान लीजिए अगर मैं सही हूँ, तो जी ऐसा हुआ नहीं है। बहुत पहले कभी 2 साल पहले हुआ था ऐसा, हाँ अभी तक नहीं हुआ है। तो ये एक तरह का शौक तो है उन बिल्कुल लोगों के लिए जो सिलेक्टेड हो गए हैं, हाँ हाँ जिनका इंतखाब हो गया है, पैसे भी जमा हो गए हैं, जी जी तैयारियाँ चल रही थी जी उनकी, और अचानक ये इस तरह के हालात बन गए हैं कि अभी यही पता नहीं चल रहा है कि जाएंगे या नहीं जाएंगे। हाँ तो ये दरअसल में उन्होंने जो लास्ट मैसेज हमें दिया है वो ये हम्म, दिया है कि रोक दीजिए अभी आप सारी अच्छा चीज़ों को। अच्छा अच्छा अब हम ये देखें कि वो रोक तो दें हम, और रोक भी दिया हमने। हमारे जो जाने का सिलसिला था हिंदुस्तान से, जो 1,25,000 लोग जो कि हज कमेटी के मार्फत जाते हैं, इन 1,25,000 लोगों को सऊदी ले जाने के लिए जो सिलसिला शुरू होना था हवाई हवाई जहाज़ों का, वो 25 जून से शुरू होना था। अच्छा अच्छा जी, तो 25 जून से जो सिलसिला शुरू होना था, अब आज क्या तारीख हो गई, आज 12-13 हो गई 12-13 तारीख, जी, 13 जून हो गई जी या बारह 13 जून 13 13 जून हो गई। तो अब 13 जून हो गई, तो हमारे पास जो है ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, तकरीबन 12 ही दिन बचे हैं। जी तो 12 दिन में कुछ नहीं हो सकता, ये बड़े लंबे लंबे प्रोग्राम होते हैं, इसमें बड़े टेंडर्स होते हैं, सब जी कुछ जी होता जी है। जी तो अभी वो कुछ भी नहीं हुआ है। तो अगर उसको देखें कि हमारे पास हवाई जहाज़ के सिलसिले भी अभी ठीक ठाक नहीं हैं, रिहाइश का सिलसिला भी अभी जो है वो रुका हुआ है, और इन सब चीज़ों के चलते हुए सऊदी अरब से कोई सिलसिला बन नहीं रहा है कि जी जी बुलाएं या नहीं बुलाएं जी या क्या जी करें, तो हज कमेटी इंडिया ने ये सोचा कि जब हमारा इंतजाम ही नहीं कर सकते हम, तो अब ये इम्पॉसिबल सी चीज़ हो गई कि हम 1,25,000 लोगों को 25 तारीख से रवाना करना शुरू कर दें, बिल्कुल सही कहा पॉसिबल आपने, नहीं है। बिल्कुल सही कहा। तो इसको सोचते हुए हज कमेटी इंडिया ने मीटिंग करके एक ये सिलसिला बना दिया कि अभी इस साल तो ऐसा लगता नहीं है कि हज होगा, अच्छा इसलिए जो लोग चाहें तो अपना जो हज का पैसा जमा हुआ है वो एक फॉर्म भर के हमें भेज दें जी और वो पैसा वापस ले लें। जी बिल्कुल आपने सही कहा, ऐसी इत्तलात हम लोगों को भी मिली है कि हज का जो जाने का पैसा था वो वापस किया जा रहा है अगर आप चाहते हैं तो। और जाहिर है कि जो सारी ज़िंदगी इस ख्वाहिश को लेकर जीता है कि मैं हज अदा कर लूँ, सारी ज़िंदगी पैसा जमा करता है, उसकी कोशिशें होती हैं, दुआएँ होती हैं, और वो इस मौके पर अगर उसको ये मालूम हो कि हज नहीं हो रहा तो मलाल तो होगा ही। दाऊद साहब, ये भी सुनने में आया कि हज कमेटी ने ये सुविधा दी है कि अगर आप चाहें तो आप अपना कैंसिलेशन फॉर्म भर कर आप अपने जो हज के लिए पैसा जमा किया है वो वापस ले सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि जिसने पैसा वापस ले लिया उसने तो ले लिया, जी लेकिन अगर जो हज को जाने वाला जो यात्री है वो अगर अपना पैसा वापस नहीं लेता तो उसका क्या होगा? सवाल आपका बड़ा माकूल है, माकूल सवाल किया आपने कि जी यहाँ दो कैटेगरीज हो जाती हैं। जी जी अभी तो एक ही कैटेगरी है कि सब सिलेक्टेड हैं, हाँ सबके पैसे जमा हैं। जी अब इसमें से जिन लोगों ने कैंसिलेशन का फॉर्म भर के, पहले मैं इससे पहले मैं ये बता दूं कि कैंसिलेशन का फॉर्म पहले भर कर भेजना था या उनकी साइट पर अपलोड करना था, अच्छा अब सिलसिला बदल दिया है। अब उन्होंने हज कमेटी इंडिया की वेबसाइट पर ही वो फॉर्म मुहैया करा दिया है और उस फॉर्म को उस साइट पर ही भरा जा सकता है। जी तो अच्छा अच्छा अब जिन लोगों को ये पैसे वापस चाहिए तो वो हज कमेटी इंडिया की साइट पर जाकर इस फॉर्म को वहीं भर दें जी और उस सिलसिले को बना लें, तो उनका पैसा फिर आगे आने वाले वक्त में वापस हो जाएगा। जी जी एक तो ये बात हो गई। जी अब सही बात है, कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनको जाना है हज पर, उन्हें पैसा नहीं चाहिए, उन्हें हज जी पर हज जाना पर है, ही जाना और उन्हें, अगर वो वापस नहीं लेते हैं जी तो उनका सिलसिला क्या बनेगा? तो अब हाँ उनका उनका वो सिलसिला जो है वो अभी मैं इसलिए कुछ नहीं कह सकता कि इस बारे में हज कमेटी इंडिया से हमें कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई है, कोई इंस्ट्रक्शंस भी नहीं मिले हैं हमें। अच्छा तो अब इसके लिए हर साल जो हज आने वाला होता है जी उस हज को आने के पहले, जैसे कि इस साल का हज जो है उसकी एप्लीकेशन अक्टूबर से शुरू हुई, जी तो अक्टूबर के 2 महीने 3 महीने पहले यानी कि अभी जुलाई 2020 में एक मीटिंग होगी, जी
उसमें हज 2021 की पॉलिसी बनाई जाएगी। अच्छा उस पॉलिसी में ये सब बातें रखी जाएंगी, और ये सब बातें रखने के बाद गौर व फिक्र की जाएगी कि ऐसे लोग कितने हैं जिन्होंने कि पैसा वापस नहीं लिया, उनका क्या करना है। ये उस वक्त वहाँ डिसाइड होगा, उस पॉलिसी में डिसाइड होगा, उस मतलब हज 2021 की जो पॉलिसी बनेगी उसमें डिसाइड होगा। इन लोगों ने जो पैसा वापस लिया है, जिन्होंने नहीं लिया, जिन्होंने नहीं लिया उनके जिन्होंने बारे नहीं में लिया उनका हो जाएगा अब होगा। अब जिन हाँ उनकी पॉलिसी बनेगी, अगर मान लीजिए कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जिन्होंने के पैसा वापस नहीं, यही सवाल था आपका जी जी कि उन्होंने पैसा वापस नहीं लिया और रखा रहने दिया और अगला हज आ गया, तो अब उनका क्या होगा? तो उनका जो भी होगा वो उस पॉलिसी में पहले ही डिसाइड हो जाएगा। अच्छा, जी आपने बहुत अच्छी बात बताई। जैसा कि अभी आपने बताया उसके मुताबिक मेरी समझ में ये आया कि जिन लोगों ने हज कैंसिलेशन का फॉर्म भरकर पैसा वापस ले लिया, उन्होंने तो पैसा वापस ले लिया, लेकिन जिन लोगों ने कैंसिलेशन का फॉर्म भरकर पैसा वापस नहीं लिया है, उनके बारे में आइंदा साल जो हज होगा उसके पहले एक मीटिंग होगी, उसमें तय होगा कि इन लोगों का क्या किया जाए। यही बात है, बिल्कुल सही। अच्छा, अब ऐसा होता है कि जब भी हज यात्रा के लिए जाते हैं तो उससे पहले तीन टीके उन लोगों को, तीन वैक्सीन लगाए जाते हैं, एक तो पोलियो का होता है, एक मेनिंजाइटिस का होता है और एक इन्फ्लुएंजा का होता है। जी लेकिन अब क्योंकि इस साल पूरा जो असर है वो कोरोना का है और कोरोना की वजह से सारी चीज़ें रोक दी गई हैं, तो अगर कोरोना का वैक्सीन अगले साल तक डेवलप नहीं होता या मार्केट में नहीं आता तो अब उसका क्या इलाज होगा? क्योंकि तीन वैक्सीन तो आप लगाते हैं, चौथा वैक्सीन अगर नहीं होगा तो क्या हज यात्रा भी नहीं होगी? देखिए ये भी बड़ा अहम सवाल है, और मतलब इस प्रोग्राम में इस पर एट दी लेंथ बात करना पॉसिबल नहीं है अभी। जी जी लेकिन मैं जो मेरी नॉलेज है जी उसके हिसाब से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये बात बिल्कुल सही है कि तीन जो वैक्सीन्स हैं, मतलब जिसमें पोलियो ड्रॉप्स होते हैं, मेनिंजाइटिस का टीका होता है और इन्फ्लुएंजा का टीका होता है, ये हज पिलग्रिम्स को जाने के पहले लगाना होता है, और ये बायलेटरल एग्रीमेंट का एक पार्ट है। ये कंसर्निंग गवर्नमेंट को इंश्योर करना होता है, और एक सर्टिफिकेट देकर भेजते हैं कि टीके लग गए, और ये सर्टिफिकेट जब वहाँ एंट्री लेते हैं जद्दा में, सऊदी अरब में एंट्री लेते हैं हवाई जहाज से उतर के, तो वहाँ वो अथॉरिटी उस सर्टिफिकेट को चेक करके ये इंश्योर करते हैं कि ये एंट्री लेने वाला जो है इसको ये तीनों चीज़ें जो हैं ये अप्लाई कर चुके हैं, पोलियो ड्रॉप पी चुके हैं। उसके बाद भी वो इतना ख्याल रखते हैं कि पोलियो ड्रॉप लिए हुए एक आदमी वहाँ खड़ा रहता है, जैसे ही वो एंट्री लेते हैं टीके का कार्ड देखते हैं, टीके तो इंजेक्टेबल होते हैं, तो पोलियो ड्रॉप डाल देते हैं। अच्छा, पोलियो ड्रॉप डालते चले जाते हैं, एक बार और दे देते हैं पोलियो ड्रॉप, वो पिला देते हैं और आगे भेज देते हैं। ये तो वो लोग करते हैं। अब जो अहम सवाल ये है कि सही बात है, और ये इसलिए करते हैं भाई, मेनिंजाइटिस हुआ या इस तरह के जो ये इन्फ्लुएंजा हुआ, ये एपिडेमिक बन सकता है, ये महामारी बन सकता है, अगर कोई इस तरह की बात वहाँ पैदा हो गई, कोई 25 लाख लोगों का तकरीबन मजमा होता है वहाँ पर, तो उसको रोकने के लिए इस तरह की जो है ये बातें की जाती हैं। और चूँकि ये कोरोना भी एक तरह से महामारी ही है, और अभी तक का जो सिलसिला है आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं, सभी आजकल जो है वो नेट पे सभी कुछ अवेलेबल है, तो अभी तक ये बात सही है कि इसका टीका नहीं बना है, लेकिन बनने के सिलसिले समझ में आ रहे हैं। तो मैं तो ये उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि इसका टीका बन जाएगा, और अगर टीका बन जाएगा तो फिर वो टीके की तो कंपल्शन होगा ही, और हज यात्रा होगी। अच्छा, बिल्कुल होगी इंशाल्लाह। और खुदा ना खास्ता अगर वो टीका नहीं बनता है तो उसके बाद भी जहाँ तक मेरी समझ जाती है, हज सऊदी अरब सरकार हज को अब बंद नहीं करेगी, बल्कि उसको थोड़ा कम कर देगी लोगों को, और क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना होगा, हरम शरीफ में भी करना होगा, तवाफ़ में करना होगा, अराफात में करना होगा, मीना मुजदलफा में करना होगा, तो इन जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग को कैलकुलेट करके ये कर सकते हैं वो कि जो कोटा है कंट्रीज़ का उसको घटा दें, कुछ इस तरह का काम कर दें, कुछ ऐसी पॉलिसी बना लें। लेकिन मैं यहाँ तक जो हूँ, मैं इस बात को सोचता हूँ कि इंशाल्लाह हज 2021 में हज तो होगा। हम तो ये दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला कोरोना जैसी इस महामारी को जड़ से ख़त्म कर दें, और इसका इलाज अल्लाह ताला किसी के दिमाग में डाल दें, उसका टीका बनवा दें अल्लाह ताला, और ताकि लोग जो तमन्ना लिए बैठे हैं हज की, उनकी तमन्नाएँ पूरी हों। जैसा कि आपने कहा कि अभी इसका कोरोना का कोई वैक्सीन अभी मार्केट में नहीं आया है, पैदा बना नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें अभी रुकी हुई हैं, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आइंदा साल तक कोरोना का वैक्सीन बन जाएगा और चौथा वैक्सीन भी लगाकर हम अपने आके हज यात्रियों को हज यात्रा के लिए भेजेंगे। लेकिन इस साल हज
किस तरह से होगा, क्या तरीक़ाकार रहेगा? अगर सारी दुनिया से लोग नहीं जाते वहाँ पर तो क्या रहेगा वहाँ? अब ये देखिए, ये उनकी कंट्री है, सऊदी सरकार की कंट्री है, तो ये उनके ऊपर ही मैसर है कि वो इसका क्या सिलसिला बनाते हैं। हज तो वहाँ होगा ही, जी, लेकिन अब उसका सिलसिला कितने लोगों को वो अलाउ करेंगे विद इन द कंट्री, कंट्री के ही जो वहीं के लोग हैं उन्हीं को अलाउ करेंगे, जी कितने लोगों को अलाउ करेंगे, क्या करेंगे, वो वाली बात है। कुछ अलग अलग खबरें भी अलग अलग सिलसिलों से आ रही हैं जिसमें लोग ये कह रहे हैं, मेरे पास भी फ़ोन आते हैं पूछने के लिए कि क्या ऐसा कुछ सिलसिला बन गया है कि कुछ कम करके लोगों को बुला रहे हैं, क्या 50 साल तक के लोगों को बुला रहे हैं, क्या 40 साल तक के लोगों को बुला रहे हैं। तो मैं ये वाजे कर दूं कि अभी तक कोई इस तरह का हमारे पास कोई भी मैसेज नहीं है जी सऊदी सरकार की तरफ से, या हमारी हज कमेटी इंडिया की तरफ से भी हमें नहीं है अभी, जी जी तो हम इस बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन उन्हीं उम्मीद पर दुनिया कायम है, बिल्कुल, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस बार भी अगर ऐसे हालात बना दे कि कुछ लोग हज पर जा सकें और उनका हज मुकम्मल हो सके इंशाल्लाह। नहीं, हम भी दुआ करते हैं कि जिन लोगों की हज पर जाने की तमन्ना है वो उनकी तमन्ना पूरी हो और वो हज ज़रूर अदा करें। जैसा कि आपने शुरू में बताया कि हज का सिलसिला किस तरह से बनता है, दो कंट्रीज़ के बीच में मीटिंग होती है, बायलेटरल उनके बीच में एग्रीमेंट होते हैं और उसके बाद फिर फाइनल होता है कितने लोगों को बुलाना है। ये तो एक आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल तक ये बात हो गई, लेकिन उसके बाद आवाम तक ये बात कैसे पहुंचती है, कैसे मालूम होता है कि अब हज के लिए हम दरख्वास्त दे सकते हैं, उसका क्या ज़रिया होता है? देखिए, अभी जो है सबसे पहले तो मीडिया सपोर्ट हम लेते हैं, सारे अखबारों में हम न्यूज़ शाया करते हैं जी। उसके अलावा जितने भी हमारे मीडिया चैनल्स हैं, टीवी और ये वाले मीडिया, उनको भी हम जो है शाया करके देते हैं ये बात, उनके सिलसिले से पहुँचती है। हज कमेटी जो स्टेट कमेटी होती है, स्टेट कमेटी में एक बॉडी होती है, वो बॉडी जो है यहाँ काम करती है जी। और उसके अंडर में फिर हमारे मध्य प्रदेश के सारे ज़िलों में जिला हज कमेटियाँ होती हैं। अच्छा। और ये जिला हज कमेटियाँ उस ज़िले के अंदर काम करती हैं जी, जी। तो उनके सिलसिले से हम ये सारी खबरें सारे हाजियों तक, सारे एप्लीकेंट्स तक पहुँचाते हैं जी। और उस सिलसिले से भी ये सारे मामले जो हैं वो चलते रहते हैं। अच्छा, यानी अखबारात के ज़रिए से और जो लोकल हज कमेटीज़ हैं उनके ज़रिए से लोगों तक ये बात पहुंचती है कि अब हज के लिए हमको दरख्वास्त देना है और फिर वो जी। उसके अलावा एक बहुत बहुत बड़ा एक मैकेनिज्म है हज के लिए जिसे हम बोलते हैं खादिमुल हुज्जाज। अच्छा, खादिमुल हुज्जाज में इसलिए कह रहा हूँ कि लोग ये समझते हैं खादिमुल हुज्जाज वो होता है जो हज करवाने के लिए हाजी के साथ जाता है जी। ऐसी बात नहीं है, खादिमुल हुज्जाज तो एप्लीकेशन भरवाने से लेकर सारे काम करता है। अच्छा, तो ये बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा एक टीम है जो हर जगह मौजूद है, ये सब खुदाई खिदमतगार हैं, उनका काम ही सिर्फ ये है कि उन्हें हज वालों की मदद करनी है। अच्छा। और ये सब के सब लोग कहीं नोटेड नहीं हैं, लेकिन जब वक्त आता है सारे के सारे आ जाते हैं और सारे काम हो जाते हैं, सब कुछ होता है। तो हमारी हज कमेटी जो है, जो जिला हज कमेटी है, वो तो नोटेड है, वो बिल्कुल आइडेंटिफाइड है। हाँ। उसके साथ साथ उनके साथ बहुत बड़ी टीम जुड़ जाती है इस तरह के खिदमतगारों की जी, जी, जी। और ये बहुत बड़ी टीम जो है ये सारे काम कर देती है, हज का फॉर्म भरवा देती है, सब कुछ करा देती है। बहुत सारे लोग अपने लिए शहादत की बात समझते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खिदमत करना, क्योंकि अल्लाह के घर जा रहे हैं तो वो उनकी दुआओं का हिस्सा बनना चाहते हैं, ये सब तमन्ना रहती है लोगों की। आपने जो बात बताई कि आप जो है अखबारात के जरिए से लोकल लोगों के जरिए से बात पहुँचाते हैं, इसके अलावा आपका कोई ऐसा फ़ोन नंबर या कोई वेबसाइट आपकी ऐसी होती है जिसपे कि जो हज से मुतल्लिका मालूमात या शिकायत या जो उनके मसाइल हैं वो हल हो सकें? बिल्कुल बिल्कुल, हज कमेटी मध्य प्रदेश की भी एक वेबसाइट है जी, हज कमेटी इंडिया की वेबसाइट है जी, ये आपस में लिंक्ड हुई है दोनों। अच्छा। कहीं से भी कहीं तक जाया जा सकता है, किसी भी सिलसिले से जाकर और बात हो सकती है। उसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी के पास जी 5 इनकमिंग लाइनों के पांच लाइनें हैं इनकमिंग की, जिसमें सिर्फ इनकमिंग ही होता है। अच्छा अच्छा। और वहाँ पर एक मुकर्रर रहता है आदमी जो इन टेलीफोन्स को रिसीव करने के लिए बैठता है और पूछने वाले को जवाब देता है, और अगर उसके पास जवाब नहीं होता तो वो नोट करने के बाद उसको जवाब वापस पहुंचाता है। अच्छा अच्छा। ये सिलसिला भी चलते हैं। और इसके अलावा हज की ट्रेनिंग हम देते हैं जी, जी। जब हज जाने वाला होता है तो ये रमज़ान ख़त्म होने के बाद ईद होने के 2-3 दिन बाद ही ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। अच्छा, ये ट्रेनिंग कौन लोग देते हैं और उसके? इसमें इसमें होते हैं, एक तो हमारे खुद के हज ट्रेनर होते हैं जी। ये भी एक हमारा अलग एक मैकेनिज्म है जिसमें हम हज ट्रेनर्स को ट्रेंड करके तैयार करते हैं कि आपको क्या क्या ट्रेनिंग हाजी जाने वाले हाजी को देनी है जी। उसकी 3 दिन की ट्रेनिंग बम्बई में होती है। अच्छा, अच्छा। और वहाँ से वो एक सर्टिफिकेट लेकर आते हैं, फिर स्टेट कमेटी में उसकी 2 दिन की ट्रेनिंग और होती है। अच्छा। तो उतनी ट्रेनिंग करने के बाद, और ये हम हर जिले से एप्लीकेशन बुलाते हैं ताकि वो लोग उसी ज़िले में रहें और वहीं ट्रेनिंग दे सकें। तो ज़िलेवार हम कैलकुलेट करके उन्हें बुला लेते हैं, उनको सेलेक्ट कर देते हैं, उनको सेलेक्ट करके ट्रेंड कर देते हैं,
फिर उनको एक प्रोग्राम दे देते हैं कि आपको फला तारीख को फला कैंप लगाना है, फला जगह पर कैंप लगाना है, ऐसे पूरा प्रोग्राम बना कर देते हैं उन्हें। जी, हाजियों को SMS के जरिए खबर करते हैं, फ़ोन के जरिए खबर करते हैं, हमारी जिला हज कमेटियाँ खबर करती हैं यहाँ प्रोग्राम है आप आइए। बड़ा अच्छा इंतज़ाम होता है वहाँ पर, बैठने का भी, चाय का, पानी का, खाने का इंतज़ाम करके, और फिर उनको उलेमाओं के ज़रिए उलेमाई एतबार से भी ट्रेनिंग होती है उनकी, और जो प्रैक्टिकल एतबार से भी ट्रेनिंग होती है कि वहाँ जाना है तो क्या क्या आपको एहतियात रखनी है, खाना, पानी, चलना फिरना, इन सब चीज़ों का, ठंडे गर्म, इन सब का किस तरह से एहतियात रखनी है, इन सब की ट्रेनिंग वहाँ दी जाती है। और एक बात बताऊँ आपको कि सऊदी अरब में जो हिंदुस्तान से 1,75,000 लोग जाते हैं, उनकी देखभाल करने के लिए वहाँ पर भारत सरकार जो है, जिस जगह पर हिंदुस्तान के लोग ठहरते हैं, वह दो तरह की जगहें हैं। पहला हरम शरीफ के 1500 मीटर के दायरे में, जी, तो वो कहलाता है, आज के ज़माने में उसको कहते हैं अपन नॉन कुकिंग नॉन ट्रांसपोर्ट जोन, यानी उस जगह पर जो लोग ठहरेंगे वो अपने कमरे में खाना नहीं पका सकते, एक, और उन्हें वहाँ से हरम शरीफ जाने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट की सहूलियत नहीं मिलेगी, उन्हें पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि वो 1.5 किलोमीटर के दायरे में है उनकी रिहाइश, इसलिए, और हरम शरीफ के पास है इसलिए वहाँ पर कोई एक्सीडेंट ना हो, इसलिए खाना पकाने की ममानियत है। तो ये नॉन ट्रांसपोर्ट और नॉन कुकिंग जोन कहलाता है। बहुत बड़ी बात है, ये तमाम एहतियातें जरूरी होती हैं। तो जो लोग वहाँ ठहरते हैं, ठीक है, वो लोग जो हैं वो वहाँ, उनके लिए वहाँ बिल्डिंग्स के आसपास किसी बिल्डिंग में हम एक ब्रांच ऑफिस खोलते हैं, ऐसे ब्रांचेस में बांट देते हैं उनको, नंबर ऑफ जो हाजी वहाँ पहुँचते हैं उनके हिसाब से, एतबार से इतने लोगों के लिए ये ब्रांच है। वहीं पर एक हॉस्पिटल भी खोल देते हैं, और वो हॉस्पिटल के अंदर हिंदुस्तानी डॉक्टर होते हैं, और हिंदुस्तान से जाने के लिए उन्हें पहले से सिलेक्शन किया जाता है। ये सब सरकारी महकमे के जो डिफरेंट स्टेट्स के जो स्वास्थ्य विभाग हैं उनके लोग होते हैं जो सिलेक्ट होकर सऊदी अरब जाते हैं डेपुटेशन पर 3 महीने के, और ये वहाँ खिदमत करते हैं हाजियों की, उनकी देखभाल करते हैं, उनको दवा देते हैं, सब करते हैं। तो इस तरह से ये पूरे सिलसिले जो हैं वो हिंदुस्तान सरकार बनाती है हाजियों के लिए, ख़ास तौर से दवाओं का, दवाएं मुहैया कराती है, और उसके अलावा फिर सऊदी सरकार के जो स्पेशलाइज हॉस्पिटल हैं, क्योंकि वहाँ पर कई तरह के लोग जाते हैं, अब किसी कोई प्रॉब्लम हो गई जो कि ब्रांच ऑफिस में नॉर्मली नहीं आप ट्रीट कर सकते, तो जो स्पेशलाइज हॉस्पिटल है वहाँ शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा, केसेज ऐसे भी होते हैं कि लोग वहाँ से बाईपास सर्जरी करके आते हैं। हाँ जी, सुना है। स्टेंट डाल जाता है उनके, कभी कोई प्रॉब्लम हुई तो उनको वह जाँच हुई, पता लगा ब्लॉकेज है, स्टेंट डाल के भेजा या बाईपास सर्जरी करके, ऐसा भी होता है। तो ये वहाँ पर जो है अल्लाह ताला ऐसे भी हालत बना देता है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिलखसूस बहुत ज़्यादा ख्याल करती है इस बात का कि हमारे पिलग्रिम्स को सारी सहूलियतें मिलें। दूसरा जोन जो होता है उसे बोलते हैं अजीज़िया। अच्छा। तो वो जो जोन है अजीज़िया वाला, वो हरम शरीफ से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर है। अच्छा। वहाँ पर वो बड़ा मैनेज्ड बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, बड़े अच्छे सिलसिले हैं वहाँ पर, अच्छे अच्छे कमरे बहुत अच्छे हैं, ये पुरानी जगह है तो यहाँ इतने अच्छे नहीं जितने अच्छे वहाँ पर है। ये नया कंस्ट्रक्शन है। जी, तो वहाँ पर बहुत अच्छी सहूलियत भी है, वहाँ खाना पका सकते हैं, वहाँ से बस की फैसिलिटी भी होती है, तो ये सारी चीज़ें सिलसिले वहाँ से बनते हैं, तो उसे अजीज़िया कहते हैं। तो अजीज़िया में ज़्यादा लोग ठहरते हैं क्योंकि उसकी उसकी जो पैसे हैं कम होते हैं, इधर से कम होते हैं पैसे, तो वो ज़्यादा लोग ठहरते हैं, तो वहाँ भी ये सिलसिला बनता है। अच्छा, आपने जो इतनी सारी बातें बताई, एक तो हज की ट्रेनिंग के बारे में बताया, और दूसरा मक्का और मदीना में जो सुविधाएं हज कमेटी के ज़रिए दी जाती हैं उनके बारे में बताएं, तो आप ये भी बताइए कि ये जो ट्रेनिंग होती है उसका कोई चार्ज लिया जाता है? और दूसरा सवाल मेरा ये भी है कि वहाँ जो सुविधाएं हज कमेटी के ज़रिए दी जाती हैं वो इसी खर्च में होती हैं या उनका अलग से कोई चार्जेस हाजी को देना पड़ते हैं? देखिए, जहाँ तक सवाल खर्चे का है तो ट्रेनिंग देने के लिए कोई खर्च नहीं लिया जाता जी, बल्कि ट्रेनर को जाने आने का किराया भी दिया जाता है। अच्छा, वो वहाँ जाता है और वहाँ खाना भी हज कमेटी इंडिया खिलाती है 3 दिन जी, और उसको किराया भी देती है जाने आने का। ठीक। तो वो मतलब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग होती है जी, वो जी, जी। एक तो ये आपको बता दूँ जी। अब इसके अलावा बाकी जो सिलसिले हैं, जैसे कि आप वहाँ पर आपने हेल्थ केयर का सिलसिला है, तो हेल्थ केयर के लिए कोई पैसा नहीं लगता, ये सरकार की तरफ से है। अच्छा। दवाएँ भी और सारे सिलसिले भारत सरकार की तरफ से हैं, बिल्कुल भारत सरकार की तरफ से होता है। और जो आगे कोई बड़ा काम हो रहा है जैसे उनके उनके हॉस्पिटल में, तो सऊदी सरकार की तरफ से है। अच्छा। हाँ, जो उनके बड़े हॉस्पिटल हैं, अब पेशेंट वहाँ शिफ्ट हो गया तो वहाँ उसका इलाज होगा तो सऊदी सरकार देखेगी, और ब्रांच में हम देखेंगे, दवाएं भी हम देंगे जी, जी। ऐसा है, तो उसमें पैसे किसी के नहीं लगते, पैसा सिर्फ हाजी को देना पड़ता है यहाँ से सऊदी अरब जाने का, वहाँ से जैसे जद्दा उतरे तो जद्दा से मक्का जाने का ट्रांसपोर्ट वो उन्हें देना होगा जी।
फिर मक्का में अगर अजीज़िया रुके हुए हैं तो अजीज़िया में बस का जो फेयर होता है एक ही बार में ले लिया जाता है, ट्रांसपोर्ट की जो बसें होती हैं कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है, तो जो भी तय पैसे होते हैं वो दे देते हैं, ट्रांसपोर्ट का पूरा सिलसिला उन्हें देना पड़ता है हाजी को, उनकी अपना अपना उनकी अपनी हज यात्रा है। फिर वहाँ से वो मीना जाएंगे तो मीना में ट्रेन या बस जिससे भी जाएंगे उसका पैसा देना पड़ेगा उन्हें, फिर मीना से मुजदलफा अपना रफात जाएंगे तो वहाँ पर भी जो ट्रेन या बस जो भी पैसा वो पैसा उन्हें देना पड़ेगा, मीना में ठहरने के जो पैसा है वो भी लगेगा, उसके भी मतलब खाने का पैसा, ठहरने के लिए मतलब होता है खाने का पैसा देना पड़ता है। अच्छा, हाँ खाना, क्योंकि वहाँ तो 5 दिन आप खाना पका नहीं सकते, टेंट्स होते हैं, जी, तो खाना फिर दिया जाता है उन्हें अच्छा, इंतजाम करके, तो वो खाने का पैसा देना पड़ता है। तो ये जो इनका खुद का काम है उसका पैसा हज का देना पड़ता है, बाकी किसी चीज़ का पैसा नहीं देना पड़ता। यानी अगर हम ये आपसे पूछें कि टोटल एक हाजी को एक बार हज पर जाने के लिए कितनी रकम देना पड़ती है? देखिए अजीज़िया कैटेगरी की अपन बात करें तो तकरीबन 2,40,000 रुपये में पिछले साल तकरीबन जो है हज हुआ था अजीज़िया कैटेगरी का, जो सबसे नीचे की कैटेगरी है जी, उसकी बात करें तो कम खर्च वाली जो कैटेगरी है, हाँ 2 लाख, दो लाख तकरीबन दो लाख चालीस हज़ार चालीस हज़ार रुपये कम में से देना कम 2 लाख 40 हज़ार यानी 2.5 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए होना चाहिए। इसमें से इसमें से। इस रकम में से 2100 रियाल, इस रकम में से 2100 रियाल खरीद के सरकार हज जाते वक्त हाजी को वापस करती है, उसी वक्त वापस कर अच्छा, देती है, तो उस रकम में से वो काट लीजिए आप, तो तो वहाँ तब जाकर बीस आप रुपये अगर भी रियाल का है उसमें से तो खर्च कर हाँ तो सकते हैं आप। तकरीबन 40,000 38,000 रुपये के बराबर इंडियन करेंसी रकम वो वापस कर देते हैं एयरपोर्ट पे, कि आप ले जाइए आपके खर्च के लिए वहाँ काम आएगा, अच्छा, क्योंकि हाजी लेके जा रहा है, नहीं लेके जा रहा क्या जी मतलब है, जी जी हमने अपने टूर जो बनाया है तो उसमें ये इनबिल्ट किया है कि हाजी से हम पैसे ले लेंगे, उसके रियाल खरीदेंगे और उसके रियाल खरीद के वो हाजी को देंगे। अच्छा, अभी आपने एक बहुत अच्छी बात ये बताई कि पिछले साल से आपके यहाँ जो है जो ख्वातीन हैं, जो लेडीज़ हैं बिना महरम के, उनका जाना भी जाने का सिलसिला शुरू हुआ है। तो क्योंकि वो बिना महरम के जा रही हैं और लेडीज़ हैं, भले ही वो ग्रुप में जा रही हैं, तो उनके लिए कोई अलग से कोई ख़ास विशेष व्यवस्था बिल्कुल हज बिल्कुल आपने कमेटी ने सही की है? सवाल किया, ये मैं वाजे कर दूं आपको कि जी जो बिना महरम के ग्रुप्स वहाँ जाते हैं जी उनके लिए खसूसी तौर से अलग बिल्डिंग, सिक्योरिटी, हर चीज़ और सब कुछ जो है वो लेडीज़ के हाथ में होता है, वहाँ मर्दों का कोई काम नहीं होता। वो जिस बिल्डिंग में वो ठहरेंगी उस बिल्डिंग के इंतजामात भी औरतों के हाथ में होंगे, सिक्योरिटी होगी, सब कुछ होगा, और वहाँ एंट्री मर्दों की होती नहीं है अच्छा अच्छा और सारे सिलसिले औरतें ही मेंटेन करती हैं वहाँ के, जी जी तो बिल्कुल ख़ास ख्याल रखा जाता है। दोस्तों, हम ये चाहते हैं, हमारी दुआ है और आप सबकी भी ये दुआ होगी कि जिन लोगों ने इस साल हज पर जाने के लिए दरख्वास्त लगाई थी उन सब की तमन्ना पूरी हो, उनकी दुआएं कबूल हों और ये कोरोना का असर किसी तरह से कम हो जाए और वो तमाम लोग हज यात्रा के लिए जाएं। यही आपकी भी तमन्ना है, यही हमारी भी दुआ है कि आप लोग हज करें। हज कमेटी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी दाऊद अहमद खान साहब हमारे साथ हैं, जिन्होंने आपको हज यात्रा और कोरोना संक्रमण के बारे में तफसील से बताया है। आपके जो शक हैं, जो शुभात हैं, जो डाउट्स हैं, उम्मीद है कि वो क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको अभी भी कोई शक या शुभा है तो आप हज कमेटी की वेबसाइट पर जाकर मालूमात कर सकते हैं। आपका कोई सवाल है तो आप हज कमेटी के